हाय फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज का जो टॉपिक है फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट का पार्ट 20, जो कि आज हम लोग जानेंगे मार्क्यू के बारे में, मार्क्यू कैसे यूज करते हैं एचटीएमएल में, वो आज हम इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे स्टेप बाय स्टेप। चलिए और देखते हैं मार्क्यू क्या होता है। एनिमेशन होता है एक तरह से, जो कि आप स्कोर करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, जिसे हम लोग मार्क्यू कहते हैं। इसमें आप लोग को क्या क्या पढ़ना है, जैसे कि द मार्क्यू एचटीएमएल एलिमेंट इज यूज टू इंसर्ट अ स्क्रॉलिंग एरिया ऑफ टेक्स्ट। स्क्रॉलिंग करता है जो कि लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, अप टू डाउन, डाउन टू अप, इस तरह से। ओके, बिहेवियर में आप स्क्रॉल, स्लाइड, अल्टरनेट, जो कि डिफॉल्ट होता है स्क्रॉल बिहेवियर में। बीजी कलर ले सकते हैं, डायरेक्शन ले सकते हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन डिफॉल्ट रहता है लेफ्ट। यहाँ पे विथ ले सकते हैं, हाइट ले सकते हैं, वी स्पेस ले सकते हैं, लूप ले सकते हैं, स्पॉट डिले ले सकते हैं, स्क्रॉल अमाउंट ले सकते हैं, एच स्पेस ले सकते हैं। ये सब चीज आप लोग को अभी हम जानकारी देंगे। चलिए और देखते हैं पेटिकल करके। फोल्डर में आएंगे, यहाँ पे फोल्डर बनाएंगे डे 19 के नाम से, इसे ओपन करेंगे वीएस कोड में। यहाँ पर लेके आएंगे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, एक्सक्लेमेशन टैब या इंटर, यहाँ पे लिखेंगे टाइटल में मार्क्यू टैग, कंट्रोल एस करते हैं, गो लाइव करते हैं। यहाँ पे आ चुका है, इस तरह से आप मार्क्यू टैग अब यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। मार्क्यू यहाँ पे एम आर क्यू, मार्क्यू इस तरह से लेते हैं। तो यहाँ पे बिहेवियर डायरेक्शन यहाँ पे दो आता है ऑटोमेटिक। ओके, यहाँ पे मार्क्यू में जैसे कि डिफॉल्ट हमको चेक करना है, यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टाइल वेब कोड, कंट्रोल एस करते हैं। इस तरह से आपका यहाँ पे चलेगा मार्क्यू, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस प्रकार से यहाँ पे चल रहा है मार्क्यू। इस तरह से आपका मार्क्यू चलेगा। जैसे ही यहाँ पे डायरेक्शन लेफ्ट है, डिफॉल्ट आप यहाँ पे देखे थे डायरेक्शन लेफ्ट। ओके, यहाँ पे राइट देते हैं RIGHT राइट, कंट्रोल एस। अब इस तरह से चल रहा है, देख पा रहे होंगे। यहाँ पे अप देते हैं UP अप, कंट्रोल एस। इस प्रकार से चलेगा, यहाँ पे देते हैं डाउन, कंट्रोल एस। यहाँ पे इस प्रकार से चलेगा। बिहेवियर में देते हैं अल्टरनेट, ऐसे तो यहाँ पे बिहेवियर में डिफॉल्ट होता है स्क्रॉल, यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रॉल, बिहेवियर में स्क्रॉल होता है डिफॉल्ट। यहाँ पे अल्टरनेट देते हैं, अल्टरनेट, कंट्रोल एस। इससे अभी पता नहीं चला, चलेगा पता, अभी हम लोग बताएंगे इसके बारे में। ओके, डाउन तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे। यहाँ पे आप लूप देखेंगे, LOOP लूप, थ्री कंट्रोल एस। यहाँ पे तीन बार चल के ये बंद हो जाएगा। ओके, यहाँ पे मैं देता हूँ लेफ्ट, LEFT, कंट्रोल एस। यहाँ पे ये तीन बार चल के ये बंद हो जाएगा लूप में। ये दूसरा और ये तीसरा चल रहा है, ये चल के अब बंद हो जाएगा। अब यहाँ पे ये बंद हो चुका है इस प्रकार से। यहाँ पे इन्फिनाइट दे सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इन्फिनाइट कंट्रोल एस यहाँ पे चलते रहेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे डायरेक्शन पता चल गया है, हाइट देखते हैं विथ एंड हाइट, लूप पता चल गया है, विथ एंड हाइट देखते हैं। विथ देते हैं यहाँ पे WIDTH विथ, 100% तो सही रहेगा, नहीं 100px, कंट्रोल एस। ये 100px के ही अंदर में ये चलेगा। यहाँ पे बॉर्डर दे सकते हैं, बी स्टाइल में बॉर्डर देते हैं, स्टाइल BORD बॉर्डर 1px सॉलिड BLSK ब्लैक, कंट्रोल एस। यहाँ पे ये बॉर्डर देख पा रहे होंगे, इस प्रकार से बॉर्डर के अंदर में ही जा रहा है। जैसे यहाँ पे 200px करता है, यहाँ पे इस प्रकार से चलेगा। हाइट देते हैं HEIGHT हाइट 200px, कंट्रोल एस। ये हाइट आ गया है इस प्रकार से। यहाँ पे अप कर सकते हैं, अप एंड डाउन, कंट्रोल एस। इस प्रकार से यहाँ पे अप एंड डाउन चलेगा। ओके, इस प्रकार से यहाँ पे ये सब यूज होता है। यहाँ पे आप लोग समझ चुके हैं लूप विथ हाइट डायरेक्शन बिहेवियर स्टाइल, जो कि बॉर्डर देके यहाँ पे बता चुका हूँ। अब इसमें जानेंगे स्क्रॉल अमाउंट, स्क्रॉल डिले के बारे में। चलिए और देखते हैं। यहाँ पे लेते हैं मार्क्यू, बिहेवियर को हटा देते हैं। यहाँ पे राइट लेते हैं, विथ लेते हैं 200px, कंट्रोल एस। यहाँ पे अभी पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, कंट्रोल एस करते हैं। यहाँ पे स्टाइल वेब कोड, कंट्रोल एस करते हैं, ये आपका चल रहा है। यहाँ पे अब स्क्रॉल डिले लेते हैं, स्क्रॉल डिले। ओके, यहाँ पे स्क्रॉल डिले लेके यहाँ पे आपको जैसे कि 85
से नीचे लीजिएगा वो आपका काम नहीं करेगा। 85 के ऊपर लीजिएगा 500 कंटोरेस, यहाँ पे बहुत स्लो चलेगा, ये आपका स्लो बहुत चलेगा। वही 85 के नीचे लीजिएगा 75 कंटोरेस, देखिए ये वही स्पीड चलेगा, 78 है, 48 है, ये वही स्लो चलेगा। यहीं पे आप जैसे कि 90 लीजिएगा, 150 लीजिएगा, इस हिसाब से आप डिले और इसे आप कर सकते हैं स्कोर डिले से, और स्कोर अमाउंट से आप मेंटेन कर सकते हैं क्या स्पीड को। यहाँ पे जैसे कि स्कोर अमाउंट से क्या होता है, स्पीड ड्यूरेशन को आप बढ़ा सकते हैं। स्कोर डिले क्या होता है, बहुत लोग यूज नहीं करते हैं, स्कोर अमाउंट से ही आप लोग काम चला लेते हैं। स्क्रॉल अमाउंट, स्कोर अमाउंट पे देते हैं 50 कंट्रोलर्स, ये आपका देखिए इतना में ही आपका बहुत फास्ट चलने लगा। यहाँ पे देते हैं 25 कंट्रोलर्स, ये आपका फास्ट, ये आप इससे आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि 10 देते हैं कंट्रोलर्स, इससे भी आप थोड़ा स्लो कर सकते हैं। 5 देते हैं कंट्रोलर्स, ये इससे भी आप डिले कर सकते हैं, और इससे फास्ट कर सकते हैं। 60 कंट्रोलर्स, ये आपका स्कोर अमाउंट से आप यूज कर सकते हैं। आपको पता चल चुका है क्या क्या, स्कोर अमाउंट, स्कोर डिले, लूप हाइट, विथ, डायरेक्शन और बिहेवियर। बीजी कलर देखते हैं, यहाँ पे लेते हैं बीजी कलर यानी बैकग्राउंड कलर। यहाँ पे रेड देते हैं कंट्रोलर्स, यहाँ पे रेड आ चुका है बीजी कलर, उतना आप स्पेस लिए होंगे विथ उतना आपका चलाएगा। यहाँ पे 300 लेते हैं पीएक्स, यहाँ पे 300 पीएक्स का बैकग्राउंड आ जाएगा, इसे से आप बैकग्राउंड का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे एच स्पेस है, बी स्पेस है, ये आपका वर्टिकल स्पेस लेके आएगा, जैसे कि हाइट लेके आएगा, यही एच स्पेस आपका विड्थ लेके आएगा, जो कि हॉरिजॉन्टल स्पेस लेके आएगा, इस हिसाब से आप दोनों का यूज सेम होता है। चलिए और देखते हैं एक स्कोरिंग करके, अच्छा मार्क्यू बन के आ जाए, अच्छा स्कोरिंग आ जाए। ओके, मार्क्यू जो बिहेवियर और डायरेक्शन लेना है इसमें आप ले सकते हैं, डायरेक्शन डाउन लेंगे, बिहेवियर आप अल्टरनेट लेंगे, अल्टरनेट और डायरेक्शन क्या करेंगे डाउन लेंगे। कंट्रोलर्स यहाँ पे लेते हैं स्टाइल वेव कोड, कंट्रोलर्स करते हैं। अब इसके अंदर विथ 500 पीएक्स लेते हैं, डब्ल्यू आई डी एच विथ 500 पीएक्स कंट्रोलर्स, यहाँ पे विथ 500 पीएक्स लिए। अब यहाँ पे हाइट लेते हैं 500 पीएक्स, हाइट एच ई आई जी एच टी हाइट 500 पीएक्स, यहाँ पे 500 पीएक्स हाइट ले लिया। ओके, अब यहाँ पे आपको जो कि स्टाइल लेके आते हैं बॉर्डर के लिए, एस टी वाई एल स्टाइल बॉर्डर लेते हैं, जो कि यहाँ पे 1 पीएक्स, सॉलिड ब्लैक या रेड कोई भी ले ले। कंट्रोलर्स यहाँ पे आ चुका है इस तरह से देख पा रहे होंगे। ओके, अब यहाँ पे एक और मार्क्यू लेना है। ओके, यहाँ पे एक और मार्क्यू लेते हैं, यहाँ पे लिख मार्क्यू, इसे हम लोग कंट्रोल एक्स करते हैं, कंट्रोल वी करते हैं। अब यहाँ पे बिहेवियर का यूज आपको पता चल जाएगा, बिहेवियर लेते हैं यहाँ पे क्या अल्टरनेट। ओके, डबल अल्टरनेट ले रहा है, जो कि आपको पता चलेगा कि यहाँ अल्टरनेट चल रहा है, ए एल टी अल्टरनेट कंट्रोल एस। अब देखिए इस प्रकार से आपका अल्टरनेट चल रहा है, आप इस प्रकार से यूज करा सकते हैं, देख पा रहे होंगे अल्टरनेट। ओके, इस तरह से आप मार्क्यू का कोडिंग करके। ओके, चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे सब करता हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जो भी कोडिंग और प्रोग्रामिंग में इंटरेस्टेड हो उसे ही शेयर करें। कोई समस्या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।